से पहले आ जाना अगर। भाई ये पराठे, दो पराठे, पता नहीं कैसे हैं। तो भाई ये है दिल बनारस का रेलवे स्टेशन, जो किसी मंदिर से कम नहीं है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसे देख लो आप, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। भाई ये रही वंदे भारत और इसी में हम जा रहे हैं। अपने सी थर्टीन है अपना आ गया। तो ये वंदे भारत लगी पड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और इसी में हमारी टिकट है बनारस टू दिल्ली। तो इसी से हम जाएंगे, आपको अंदर से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि ये गाड़ी कैसी है और कितना साफ़ सुथरा है, इसमें काफ़ी चीज़ें बताएंगे आपको। चलो चलते हैं दोस्तों। वंदे भारत के गेट खुल चुके हैं दोस्तों। ओ भाई दोस्तों ये अपना कोच है C13, इसी में हमारी सीट अरेंजमेंट हो रखी है और कंफर्म टिकट है। वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी और इसी में हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, वाराणसी की तरफ। भाई अंदर से बड़ा ही जबरदस्त हो रखा है। हाँ तेरा तो पहली बार नहीं है, बड़ा घूम चुका हूँ मैं इसमें। भाई साहब ये सीट अरेंजमेंट है, हम लोग अपने भी सीट पे बैठ चुके हैं और ये देख सकते हो ऑटोमेटिक डोर है, इसमें गेट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। और क्या हम चारों आ जाएंगे इधर। फील हो रहा है, ये तीसरी बार चुका है, पांचवी बार, ये पहली बार, दूसरी बार। दोस्तों हमें हमारी सीट मिल चुकी है, हम सब आराम से बैठे हुए हैं फिलहाल और एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को। अभी ट्रेन चलेगी इस साइड की ओर, तो आपको दिखाएंगे ट्रेन चलती है तो कैसा लगता है। दरवाजे बंद हो रहे हैं, डोर्स आर क्लोजिंग। डोर क्लोज हो गए भाई, इसके बाद एंट्री नहीं है किसी की। टाइम से पहले आ जाना अगर वंदे भारत में बैठते हो तो। ब्रो गाइस ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है और फुल स्पीड के साथ जाएगी एकदम। कितनी स्पीड जाती है भाई, मजा आने वाले है। सारे दरवाजे बंद, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन। भाई फिर आते हैं महादेव की नगरी, हर हर महादेव। वाराणसी जंक्शन स्टेशन इंदौर 2 2 3 5 वाराणसी जंक्शन न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई ऑटोमेटिक है, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है 11, जितना तेज चलती रहेगी। यात्रियों का स्वागत करती है। बढ़िया मेट्रो है भाई। वंदे भारत में ना आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा नहीं, इसमें बैठे इसमें तो चार्जिंग पॉइंट आपका सीट के नीचे है, आपको दिखा देते हैं नीचे। दिख रहा है आपको, देखो दोस्तों ये है चार्जिंग पॉइंट आपका, ये वाला सीट के नीचे मिलेगा चार्जिंग पॉइंट। तो सोचना मत कि चार्जिंग कहाँ करें, चार्जिंग सीट के नीचे है चार्जिंग पॉइंट, वहीं लगाना वहीं से चार्ज कर। वीडियो बनेगा, वीडियो का निकालने का चार्ज भी।
12 घंटे बनाऊंगा मैं। ठीक है, लाइव डाल दे। अबे ये आएगी नहीं, इसकी औकात नहीं है। 2 लीटर तेल में लाइव डाल दे। आ गया भाई वंदे भारत का फूड। इसमें अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या इंक्लूडेड हो है इस वेज थाली फूड में। ओ भाई इसमें के टॉपिकैनो की वावा डिलाइट फ्रूटी है, ये कचौड़ी है और ये एक मसाला चाय है, चाय उसका कंपनी का, और ये एक टमाटर सॉस है और ये हिमालय सेल्ट का पॉपकॉर्न है और ये आपका एक सैंडविच है इसमें। और देखा जाए तो इनमें टोटल ये है चीज़ दे रखी है हमें टोटल पूरी। ये देखो टॉपिकैनो का रेट है 20 रुपये और ये आपका चाय इसका मसाला चाय है ये 15 रुपये और ये आपका पॉपकॉर्न है ये 10 रुपये और ये है आपका 20 रुपये का सैंडविच और ये 2 रुपये का टमाटो सॉस, 10 रुपये की कचौड़ी। तो ये सब चीज़ें मिली है सभी को। ठीक है दोस्तों, तो लगभग ये सबका खाना हो चुका है भाई, सब खा रहे हैं। ये फूल वाले भैया बांट रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सामान 5 मिनट में ख़त्म हो गया, 300 रुपये फालतू की ले लिए टिकट में फूड का। चाय के लिए भैया गर्म पानी आ चुका है। ये चाय मसाला है, इसे मिक्स करना है और बन जाएगी आपकी चाय। भाई ये है चाय और इसकी बनाएंगे गर्म पानी में चाय डाल के। अबे 10 क्यों रही है? तेरी बंदी के रोटी भाई ये या तो ये काढ़ा है या तो चाय है, समझ में नहीं आ रहा। पीने के बाद बताते कैसा टेस्ट आ रहा है। हर हर शंभो, क्या ये क्या बीमारी है? बीमारी बड़ी बेकार है भाई ये। भाई ये इसका टेस्ट पहली बार कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा है। कोई स्वाद नहीं चाय में, एक तो मुंह भी जल गया और चाय में स्वाद नहीं है, मजा नहीं आया। सही होता हूँ तो यार टोटल वेस्ट है ये चाय। इससे अच्छी वो जो 10 रुपये की चाय आती है ना रेले वाले, वो ले लो भाई। ऊपर लाइट है, अंधेरा हो जाए ऐसे लाइट जलाओ, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट वो मस्त है भाई। ये हमने अलग से चीनी शुगर मंगवाया पाउच वाला, तब जाके चाय में डाली, तब जाके थोड़ा स्वाद आ रहा है इसमें और मीठापन लग रहा है। लगभग 2 सैसे डाला है तब जाके मीठापन आया चाय में, नहीं तो टोटली टेस्ट लेस थी ये पूरी ही पूरी चाय। आप थोड़ा अच्छा लग रहा है आप पीने में, काफ़ी सही लग रहा है। तो हम लोग अभी सीट से उठ के आए इधर बाथरूम की साइड में और यहाँ पे आपको बाथरूम एक्सप्लोर करेंगे कैसा है और वगैरह, और आप देख सकते हो कितना ऑफर का स्पेस है यहाँ पे। बाथरूम के पास थोड़ा गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लीन, थोड़ा पूछा पड़ा। ये दोस्त निकल रहा हमारा भाई, हम आपको बाथरूम एक्सप्लोर करवा देते हैं। ये भाई इसका बाथरूम है,
ऑटोमेटिक फ्लश है, टिश्यू पेपर है, फर्श स्प्रे है, बहुत सही है भाई। चल आ ऑटोमेटिक है भाई। भाई वंदे भारत में ऑटोमेटिक डोर है, ये हरा बटन प्रेस करोगे तब जाके गेट खुलेगा। ये देखो गेट खुल गया ऐसे, और गेट अपने आप बंद होता है, इसे दोबारा प्रेस मत करना। मस्त कुछ बोल दे मेरे वीडियो में भाई, इसके क्या बोलूं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, और तितली उड़ाए भैया, और पैसा आ जाए बहुत सारा, इतनी तितली उड़ा दो इसके चैनल पे कि मतलब वायरल हो जाए। पानी की बोतल लेने के लिए पे मांग रहे हैं वंदे भारत में, फ्री एक ही बार फ्री होता है, जो कि वही फूड में इंक्लूडेड है, दूसरी बार इंक्लूडेड नहीं है। कानपुर सेंट्रल जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाले आपको बताएंगे या डिनर में क्या क्या रहेगा भाई। ये डिनर आ गया भाई, अभी खोल के ओपन करके बताएंगे इसमें क्या क्या है। डिनर आ गया। अभी इसमें ये आया भाई, वंदे भारत में 400 रुपए वेज है, वेज ढाबे से खा लेना भाई। ये पराठे, दो पराठे, चावल, रोटी, पनीर की सब्जी, और ये दाल, और ये आपकी चम्मच चावल, और ये मिनी अचार, और ये आपका दही। तो ये आपका डिनर मिलेगा, जो कि 8 बजे टाइमिंग होता है मिलने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आती है तो भाई हम लोग उतर चुके हैं वंदे भारत ट्रेन से, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों हम लोग, हमारी जर्नी खत्म हो चुकी है, हम लोग अब उतर चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सारे के सारे उतर चुके हैं, बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने, ये जर्नी हमारी बहुत बढ़िया थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं हम लोग, और देखो ट्रेन ये थी भाई। तो ये वंदे भारत की जर्नी थी हमारी, हम सबकी वाराणसी से दिल्ली तक की।